गाजा तो पहले बंद था, लेकिन गाजा का तस्करी चल रहा है ना, पकड़ा रहा है ना, जेल जा रही है ना, सजा हो रहा है ना। उसी प्रकार से जो दारू पकड़ाता है उसको सजा होता है, आजीवन कारावास होता है। ये तो सरकार ने नियम कानून लागू किया। अब जहां तक आप कहते हैं फलाने साहेबगंज में ये मौत हो गई, उन्होंने, अब हमने जानते हैं एसएसपी को फोन किया, क्या किया नहीं किया, उन्होंने उठाए नहीं, ये तो हमको तो लगता है करीब करीब थानादार, बड़े पदाधिकारी नहीं, थानादार जो है तो सरकारी जो मोबाइल दिया है नाम का, सरकारी मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, नेटवर्क से बाहर रहता है, अब प्राइवेट मोबाइल से सब सब अपना काम कर, जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार तो रहेगा जो उच्च पदाधिकारी है ना। अब जिला में कोई बदमाशी हो रहा है, कुछ पुलिस वाला कर रहा है, इसका जिम्मेदार एसपी है, डीआईजी है, और जिम्मेदार है नीतीश कुमार सर को आएगा कि ये मोबाइल बाग खोल के रखो, सरकारी मोबाइल खुला ही नहीं रखता, बात किससे होगा? शिकायत कीजिए आप, हम शिकायत करेंगे तो बिल्कुल शिकायत करेंगे, और लिखित मुख्यमंत्री को हम आवेदन देंगे। ये स्थिति है, सरकारी मोबाइल बंद रखता है और सब घटिया काम करता है प्राइवेट मोबाइल से, प्राइवेट लोगों से मतलब रखना, मतलब यही समझिए, घटिया टाइप में क्या काम करता है, घटिया कायम टिका खुलवाइए दीजिए, लेन देन करता बोलिए, लेन देन करता है किस चीज का? शराब माफियाओं के साथ ये पैसे, हाँ एक बात, शराब देखिए, शराब जो आता है यहाँ पर सारे पुलिस महकमे के लोग शराब वाले से मिला रहा था। आज साहबगंज के लोग फोन कर रहे हैं थानादार को, सब कुछ हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वह जहरीले शराब लोकेशन दे रहा है, फलाने जगह दारू पी रहा है, फलाने जगह दारू बन रही है, लेकिन रेड भी नहीं हुआ। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो उच्च पदाधिकारी है, जो नीचे का पदाधिकारी थाना तो सुधारे। नहीं, सूबे के मुखिया तो हेलीकॉप्टर ड्रोन मोटर बोट से शराब भिजवा रहे। सूबे के मुखिया तो ड्रोन ही तो लगा ही दिया है, ड्रोन बढ़िया से चलने देगा पदाधिकारी तब ना, हेलीकॉप्टर बढ़िया से चलाए। अगर थानादार चाह ले एक बूंद दारू नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा ना, दारू बनेगा, ये तो सब कुछ थानादार ना चलाते हैं। जनता ने आपको चुना, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, जब उनकी जिम्मेदारी है तो एकदम होनी चाहिए। आज तक अभी तक बिहार में नहीं हुई हो रहा है, बड़ी पदाधिकारी दारू पीने में जेल जा रहा है, सभी कुछ जा रहा है, कहां भगते पत्रकार महोदय? सर मानते हैं कि नहीं शराब बिक रहा है बिहार में इस तरह से? नहीं है दुकान में, कई जिले में शराब पैदा कर रहा है। और एक बात, मन ही जाकर जनसंख्या घटेगा ना, जब शराब सरकार ने बंद कर दिया, क्यों शराब पीते जहरीली शराब? और होता क्या, मौत का कहना आपको बता देते हैं जी, जो एक्सपायरी टैबलेट होता है, जो दारू बनाता है देसली दारू, तो एक्सपायरी टैबलेट जो होता है नशा वाला नींद वाला, वो दे देता है, और वो देने के कारण ज्यादा विषाक्त हो जाता है और उससे मौत। हम तो यही चिंतन की है, आखिर अन्य राज्यों में भी शराब बिक्री हो रही है उस तरह से, यहाँ इस तरह से क्यों नहीं? अरे यार गलत दारू बना के अपने पी रहा है ना। देखिए पूरे बयान को अगर देखा जाए तो गोपाल मंडल जो है, ये जो दारूबंदी का जो दावा है और जिस तरह से हो रहा है, उसके खोखलापन को उजागर किया है। उनका कहना है कि जितने भी थानेदार हैं, पुलिस के ऑफिशियल हैं, उनका मोबाइल नंबर जो है सार्वजनिक है, लेकिन उस मोबाइल नंबर को उठाते नहीं हैं, निजी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं और निजी मोबाइल नंबर से शराब का धंधा करवाते हैं, ये वो कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अभी जो लोग मारे गए भागलपुर में, बांका में या अन्य जगहों में, जिसके बारे में लोगों ने 50 तक का की संख्या बताई, इसके बारे में कहा है कि संख्या पर बहस का कोई मतलब नहीं है, ये सही बात है कि हाँ साहब शराब बंदी है, लोग जो है शराब पी रहे हैं, लेकिन शराब जो है बंदी बिल्कुल असफल है, और असफल करने वाले नीतीश कुमार का वही तंत्र है जिसके जिम्मे शराबबंदी को सफल कराने का दायित्व है, ये गोपाल मंडल कह रहे हैं। हमने जो उनका पूरा बयान पढ़ा है उसके आधार पर मेरा निष्कर्ष तो उनके बयान का यही है, और हमको लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं। माने अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? नीतीश कुमार की पूरी सरकार लगी हुई है, माने समाज सुधार अभियान भी चल रहा है, पूरी सरकार जा रही है, अकेले नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता के रूप में नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार जो है पूरी की पूरी इस अभियान में लगी हुई है। आप जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने ट्रेंड कुत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद भी ये हालत है? तो आप जो है सबसे अच्छा है कि
मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात करके भारतीय सेना के जिम्मे शराबबंदी का काम जो है सौंप दीजिए। पूरे देश में मजाक बन रहा है। एक समय में कहते थे कि बिहारी कहलाना अपमान की बात नहीं है, गर्व की बात है। आज स्थिति यह है कि बिहारी कहलाना जो है उपहास का विषय हो गया, बिहार और बिहारी कहलाना। लेकिन आज जो है माने बिहार दिवस है, हम उम्मीद करेंगे कि सद्बुद्धि आएगी नीतीश कुमार को। आई जो बिहार का चारों तरफ मजाक उड़वा रहे हैं, इसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे।